हेलो फ्रेंड्स, कंपटीशन कमेटी के एसएससी सीजीएल और सीएचएसएल प्रोग्राम में आप सभी का स्वागत है और मैं हूं हेमंत प्रधान। आइए फ्रेंड्स, आज हम स्टार्ट करते हैं जनरल साइंस में तीन महत्वपूर्ण विषयों में से एक यानी फिजिक्स केमिस्ट्री बायो में से एक महत्वपूर्ण सब्जेक्ट बायोलॉजी के अंतर्गत आज हम स्टार्ट करने वाले हैं ह्यूमन बॉडी सिस्टम को, जिसमें कि आज ह्यूमन बॉडी के एक महत्वपूर्ण सिस्टम पाचन तंत्र या डाइजेस्टिव सिस्टम को हम पढ़ने वाले हैं। तो डाइजेस्टिव सिस्टम का ये टॉपिक, पाचन तंत्र का ये टॉपिक हम देखेंगे, जिसमें कि हमको कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट समझने को मिलेगा। कंप्लीट आप इसकी लाइक पूरा फिजियोलॉजी आप समझ जाएंगे। दूसरा, हम यहाँ पे कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट के साथ इस क्लास को स्टार्ट करेंगे, तो ये फैक्ट्स भी आपके लिए इंपॉर्टेंट होगा। तो सबसे पहले देखिए कि ह्यूमन बॉडी के सिस्टम को, जिसमें कि हम देखते हैं डाइजेस्टिव सिस्टम को, तो डाइजेस्टिव सिस्टम का ये देख रहे हैं कंप्लीट एलिमेंट्री कैनाल या आहार नाल कहते हैं। तो आहार वर्ड यानी वर्ड आ रहा है जैसा नहीं फूड, तो कोई भी चीज या हम जिसे हम खाते हैं या पीते हैं, तो कोई भी ऐसा भोज्य पदार्थ या फिर ऐसा एडिबल पार्ट जो हमारे बॉडी में जाता है, तो उसमें क्या हो सकते हैं, न्यूट्रिएंट या पोषक तत्व हो सकते हैं। तो ये पोषक तत्व हो सकता है ये क्या हो, वसा हो सकता है ये क्या है, वसा या फैट हो। दूसरा हो सकता है यह कार्बोहाइड्रेट हो, कार्बोहाइड्रेट हो। तीसरा हो सकता है ये इसमें क्या है, प्रोटीन हो। ठीक है, दीज आर द मेजर एलिमेंट जो मुख्य पोषक तत्व कहते हैं। ठीक है, इस बात को आपको ध्यान रखना होगा। तो जब हम देखते हैं फैट, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, ये सब चीजें जब हमारे बॉडी में जाती हैं, तो हम माउथ से इसे क्या करते हैं, अंदर लेते हैं, अंतर्ग्रहण करते हैं, और उसके बाद जो है डिफरेंट ऑर्गन से ये पास होते हुए जाती है, और इसमें न्यूट्रिएंट का अलग अलग जगह डाइजेशन होता है। फाइनली यहाँ पे हमारे ब्लड में ये न्यूट्रिएंट्स को मिला दिया जाता है, और फाइनली जो वेस्ट पदार्थ होता है वो फिकल मैटर के तौर पर वो बाहर निकाल दिया जाता है, या फिर यूरिन के फॉर्म में बाहर निकलता है। तो यहाँ पे कुछ महत्वपूर्ण बातें जो आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से हम उन्हीं सभी बातों को कवर करेंगे। ठीक है, तो ये एलिमेंट्री कैनाल देख रहे हैं, जिसमें कि बक्कल कैविटी या माउथ से आपका जो है खाना अंदर जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे पहला टास्क किसका होगा, हमको ये समझना होगा, पहला टास्क जिसका होगा, फिर उसी हायरार्की को हम फॉलो करेंगे। पहला होगा माउथ, तो माउथ में कैसे डाइजेशन होगा, फिर इसके बाद ये सीधा पास होते आएगा आपके स्टमक में या आपके आमाशय में, इसका पाचन कैसे होगा। फिर उसके बाद देखते हैं कि वो आगे आएगा छोटी आंत में, और यहाँ पे देख रहे हैं कि ये पैंक्रियाज भी है, अग्नाशय भी है, यहाँ पे कैसे पाचन होता है, छोटी आंत जो है यहाँ से होती है, तो छोटी आंत में किस प्रकार का पाचन होगा, फिर बड़ी आंत से किस प्रकार इसका पाचन होगा, और फाइनली कैसे वो बाहर निकल आएगा ये देखना है, जिसमें कि आपको लीवर के काम देखने हैं, है ना, गाल ब्लैडर या पित्ताशय का काम देखना है। ठीक है, सब के अपने अपने फंक्शन है, और आपके एग्जाम रिलेटेड जो सभी महत्वपूर्ण फैक्ट हैं इसमें सभी तरीके से कवर हो जाएगा। तो स्टार्ट करते हैं आज के टॉपिक को, जिसमें कि कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट होंगे। तो ये महत्वपूर्ण फैक्ट है, यहां पे देखिए, सबसे पहले ह्यूमन बॉडी के बारे में कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट हमको समझना होगा, जिसमें कि देखिए शरीर की सबसे बड़ी हड्डी जांघ की हड्डी होती है, थाई की होती है, जिसमें हम देखते हैं कि फीमर कहते हैं, क्या कहते हैं, फीमर। दूसरा सबसे छोटी हड्डी कहां पे पाई जाती है, कान में पाई जाती है, उसे क्या कहते हैं, स्टेपिस कहते हैं। देन आफ्टर देख रहे हैं सबसे बड़ी ग्रंथि, लार्जेस्ट ग्लैंड ऑफ बॉडी, सबसे बड़ा जो है ग्लैंड क्या है, यकृत या लीवर है। सबसे जो है बड़ी एंडोक्राइन ग्लैंड, देखो ये जो होती है सबसे बड़ी, ये क्या होती है, ग्रंथि है, ग्लैंड इन जनरली पूछा जाए तो। ठीक है, क्योंकि एंडोक्राइन एक्सोक्राइन दोनों होती है। ठीक है, यहां पे ये देख रहे हैं अंतःस्रावी ग्रंथि, इंडोक्राइन ग्लैंड, ये है क्या है आपका, थायराइड ग्लैंड। सबसे बड़ी जो है सेल या कोशिका, लार्जेस्ट सेल क्या है, तंत्रिका कोशिका या फिर न्यूरॉन कहते हैं, लार्जेस्ट सेल। ठीक, ये क्या है, तंत्रिका कोशिका या न्यूरॉन। सबसे बड़ी धमनी, आर्टरी, इसे हम क्या कहते हैं, एओर्टा कहते हैं, क्या कहते हैं, एओर्टा, या एब्डोमिनल एओर्टा भी हम कह सकते हैं। तो सबसे लार्जेस्ट आर्टरी या सबसे बड़ी धमनी क्या है आपका, यहाँ पे देख रहे हैं क्या है आपका, एओर्टा। सबसे बड़ा वेन, लार्जेस्ट वेन या सिरा, उसे क्या कहते हैं, इंफीरियर वेना केवा, इंफीरियर वेना केवा, इसे क्या कहते हैं, इट इज इंफीरियर वेना केवा। ये बात सभी को क्लियर हो गई। इसके बाद देखते हैं सबसे बड़ी तंत्रिका, लार्जेस्ट नर्व कौन सा है, वो है सियाटिक नर्व। सबसे लार्जेस्ट नर्व क्या है, सियाटिक नर्व। ठीक है, उसके बाद देखते हैं लार्जेस्ट मसल्स, सबसे बड़ी पेशी कौन सी है, मसल्स जानते हैं आपकी
शरीर में पेशियां या मसल्स होते हैं और बोन होता है, ठीक है, इस बात को समझ रहे हैं। तो बोन यहां पे हमने कवर किया था, सबसे लार्जेस्ट मसल्स क्या है, ग्लूटियस मैक्सिमस, ठीक है, ग्लूटियस मैक्सिमस को सबसे बड़ी जो है आपकी पेशी या हम कहते हैं मसल। सबसे छोटी मसल्स का क्या नाम है, स्टेपिडस, स्टेपेडियस, स्टेपेडियस जो है सबसे स्मॉलेस्ट जो है हम देखते हैं वो है पेशी या मसल्स। अब आपके ब्लड में क्या होता है, डिफरेंट अलग अलग जो उसमें होते हैं कार्पसल्स या कणिकाएं होती हैं। तो सबसे बड़ा श्वेत रक्त कण WBC क्या होता है, वो है मोनोसाइट्स। मोनो WBC क्या है, शरीर में इसे क्या कहते हैं, ये एक रक्षा का काम करता है, आपकी जो है वो इम्यूनिटी को जो है वहां प्रोटेक्ट करता है, ठीक है। और ये क्या, इसलिए इसे क्या कहते हैं, शरीर में एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, शरीर का पहरेदार कहते हैं WBC को, ठीक है। इसके बाद देखिए सबसे बड़ा जो है पुनर्उद्भूवन, सबसे अधिक पुनर्उद्भूवन की क्षमता किसमें, रीजनरेशन पावर किसमें होती है, ये है लीवर या यकृत कोशिका। सबसे कम रीजनरेशन पावर किसमें होती है, वह है मस्तिष्क कोशिका या ब्रेन सेल्स। और सबसे लार्जेस्ट ऑर्गन कौन सा है, स्किन या त्वचा। ये वो फैक्ट है जो आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, जो महत्वपूर्ण फैक्ट है, ठीक है। आगे कुछ और महत्वपूर्ण फैक्ट को देखते हैं। तो यहां पे देखिए अगला है, दैट इज सबसे बिजिएस्ट ऑर्गन कौन सा है, हार्ट, जिसमें हार्ट पंपिंग होता है, ठीक है, ब्लड सर्कुलेशन होता है, हार्ट बीट होता है, हृदय की धड़कन होती है, ठीक है, जिसमें कि हम देखते हैं वो धड़कन साइनो ऑरिकुलर नोड, ऐसे नोड से स्टार्ट होके आपके डिफरेंट एरिया में वो फैलती है, या फिर हम कह सकते हैं वो वहां से सेंस भी निकलती है, नर्व्स जो है वहां पे निकलती है, उसमें नर्व फैले होते हैं, तंत्रिकाएं फैली होती हैं। तो दोनों काम होता है, तंत्रिकाएं भी फैली होती हैं और ब्लड सर्कुलेशन भी काम होता है। तो सबसे बीजीएस ऑर्गन, इट इज द हार्ट। सबसे थिनेस्ट स्किन कहां होती है ना, यहां पे होती है कंजक्टाइवा, कंजक्टाइवा, ठीक है, यहां पे लिख ले, ठीक है। उसके बाद देखते हैं शरीर में सबसे में शरीर में संपूर्ण शरीर में रक्त का आयतन कितना होता है, आपके ह्यूमन बॉडी में कितना ब्लड मिलता है, 5 से 6 लीटर, ठीक। उसके बाद देखते हैं ह्यूमन बॉडी का ब्लड प्रेशर कितना होता है, 120/80 मिनिमम mmHg, ठीक है। यहाँ पे हम इसे अलग अलग सिस्टम में डिफरेंट टाइप की चीजें आएंगी, उस समय में इसका एक्सप्लेनेशन बताऊंगा। अभी यहाँ पे सिर्फ फैक्चुअल पार्ट देखिए, ह्यूमन बॉडी में RBC की संख्या कितनी है अगर पूछा जाए, तो मेल में कितना होता है, 5 to 5.5 million cubic, ठीक है, और वेमेन में कितना होता है, 4.5, 4.5 से 5 जो होता है, 4.5 to 5 million cubic होता है, ठीक है। ये नंबर्स याद रखेंगे, ठीक है। तो या हम यहां पे इस बात को समझे, ये क्या है, नंबर्स है आरबीसी के, ठीक है। लाल रक्त कणिका का जीवन कितना का काल कितना होता है, 120 डेज होता है। WBC का कितना होता है, WBC का जो है काउंट पूछ रहा है यहां पे, तो 5000 से लेके 10000 क्यूबिक mm होता है, ठीक है। WBC का जीवन काल कितना होता है, 2 से 5 दिन लिखा है, लेकिन आप यहां पे सीधा 2 से 10 दिन भी आप रेंज ले सकते हैं, ठीक है। इसके बाद देखिए रक्त प्लेटलेट, प्लेटलेट भी क्या है, आपके ब्लड में मिलता है, यहां पे देखिए 2 लाख से लेके 4 लाख तक की क्या है आपके इसके नंबर्स होते हैं। हीमोग्लोबिन जो होता है मोस्ट कॉमन जो है 14 से 16 ग्राम जो होता है आपके मेल में पाया जाता है, और फीमेल में जो होता है 12 से 14 ग्राम ये पाया जाता है, ठीक है। ये है आपका बेसिक फैक्ट, ठीक है। कुछ और फैक्ट यहाँ पे देखिए जो आपके एग्जाम के लिए भी इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पे देखिए अगला है सर्वदाता रक्त समूह और सर्वग्राही, दाता मतलब डोनर, यूनिवर्सल डोनर कौन होता है, 0 या O ग्रुप वाले, और यूनिवर्सल एक्सेप्टर कौन होता है, AB पॉजिटिव AB वाले, ठीक है। और शरीर का ह्यूमन बॉडी का जो टेम्परेचर अगर देखा जाए, अगर फारेनहाइट में देखे तो 98 फारेनहाइट होना चाहिए। रेस्पिरेटरी रेट जो होता है, ब्रीदिंग रेट होता है 16 से 12 बार आप ले सकते हैं सांस प्रति मिनट, ठीक है, ये आपका ब्रीदिंग रेट। ह्यूमन बॉडी में ब्रेन का कितना वजन होता है, तो 1400 ग्राम होता है, याद रखिएगा। क्रेनियल नर्व्स की संख्या कितनी है, 11 pairs है। इसके लिए मैं आपको ट्रिक भी बता दूंगा, 11 pairs को लर्न करने का बहुत इजी ट्रिक है। देन आफ्टर देखते हैं स्पाइनल तंत्रिकाओं की संख्या, स्पाइनल नर्व्स के टोटल कितनी संख्या है, तो 31 pairs मिलते हैं। सामान्य हार्ट बीट का रेट कितना होता है, 72 से लेके 75 टाइम्स होता है पर मिनट में।
आपके नाड़ी की दर कितनी होती है, दर इज सिमिलर कि वही चीज है 72 टाइम्स पर मिनट। गैस्ट्रिक जूस जो होता है, गैस्ट्रिक जूस मतलब आपके पैंग स्टमक में मिलता है, उसका पीएच कितना होता है 1.4 होता है, मतलब बहुत हाईली एसिडिक होता है। 14 का स्केल होता है, बीच जो है अगर इसका पीएच 7 हो तो वो न्यूट्रल होता है, 7 से नीचे हो तो वो क्या होता है अम्ली या एसिडिक होता है, और उसके 7 से ज्यादा हो तो बेसिक ठीक है नेचर का होता है या क्षारी प्रकृति का होता है। यूरिन का पीएच कितना होता है 6, रक्त का पीएच कितना होता है 7.4, और पैंक्रियाटिक जूस का पीएच होता है ना ये होता है 8.5। यहां पे देखिए अक्सर कंफ्यूजन होता है ये पैंक्रियाटिक जूस है पैंक्रियास, अग्नाशयी रस का पीएच बेसिक है, जबकि गैस्ट्रिक जूस आमाशयी रस का पीएच एसिडिक है। ठीक है तो ये बातें आपको याद रखनी है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्ट है आपके फैक्चुअल पॉइंट ऑफ व्यू से, इंपॉर्टेंट लाइक कंटेंट है कह सकते हैं। ठीक है आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। अब देखिए ह्यूमन बॉडी में अस्थियों की कुल संख्या कितनी है 206, लेकिन बच्चों में 206 से ज्यादा पाया जाता है क्योंकि वो बाद में जुड़ जाती हैं। ठीक है शरीर में कुल मसल्स के नंबर कितने हैं 639, और शरीर में आपके शरीर के कुल भार का जल का कितना प्रतिशत है पूछा जाए तो 65% है ये आपका जल का कुल प्रतिशत। ये बातें सभी को क्लियर हो गई। अब हमको समझना है कि पाचन तंत्र में हमको कुछ महत्वपूर्ण बातें समझनी है। डाइजेस्टिव सिस्टम, पहले थोड़ा सा इसका पाथवे समझ लेते हैं। जैसे आप चीजें खाते हैं वो माउथ बक्कल कैविटी से जाती है, इसके बाद जो है वो इसोफेगस होते हुए किस में चली जाती है स्टमक में आमाशय में चली जाती है। इसके बाद यहाँ पे देखते क्या है हम देखें तो छोटी आंत में चली जाती है, और उसके बाद देखते हैं बड़ी आंत में चली जाती है। ठीक है लार्ज इंटेस्टाइन में चली जाती है, और फाइनली ये से क्या करते हैं एग्जिट कर लेते हैं वेस्ट पार्ट को। तो यहाँ पे कुछ रोल आएगा जिसमें कि हम देखेंगे लीवर का, गाल ब्लेडर यानी पित्ताशय का रोल आएगा। तो ये सभी बातों को हम समझते हैं, पहले कुछ इंपॉर्टेंट पार्ट है इसे समझ लेते हैं, फिर हम इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस भी कवर कर लेंगे ताकि आपका इसमें बेहतर से बेहतर अप्रोच हो सके। ये बातें सभी समझ आ रही है तो आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं मुख का, माउथ या बक्कल कैविटी में। तो यहां पे देखिए याद दो चीजें आएंगी, एक होता है आपके बक्कल कैविटी में टीथ या दांत होता है। दांत जो होता है ये चार प्रकार का होता है, इसे हम क्या कहते हैं आई, इसे क्या कहते हैं सी, इसे क्या कहते हैं पी, और इसे क्या कहते हैं एम, ICPM, इनसाइजर, कैनाइन, प्रीमोलक और मोलर। ठीक है प्रीमोलर और मोलर, तो कृंतक, रदनक, अग्रचवर्णक, चवर्णक, ये चार प्रकार के दांत पाए जाते हैं ह्यूमन बॉडी के दांत का, ये चार टाइप है याद रखेंगे। अब यहां पे दूसरा ये होता है जीभ, जीभ होता है क्योंकि इससे आप चबाएंगे और इसमें क्या है, इसमें क्या होता है इसके अलग अलग टेस्ट बर्ड होते हैं, इसके अलग अलग भाग होते हैं, टेस्ट बर्ड होता है, इसमें आपको स्वाद का अनुभव होता है। तो माउथ में जो होता है एक और चीज होता है क्या, लार या सलाइवा, इसमें क्या होते हैं एंजाइम होते हैं। अब जब जो भी चीज आप खाएंगे उसमें हो सकता है क्या हो सकता है उसमें वसा हो सकता है उसमें कार्बोहाइड्रेट हो, इसमें क्या हो सकता है कार्बोहाइड्रेट हो सकता है, वैसे ही इसमें क्या हो सकता है आपका प्रोटीन हो सकता है। और प्रोटीन को क्या कहते हैं बॉडी बिल्डर ऑफ आवर बॉडी कहते हैं, शरीर का निर्माता कहा जाता है। और क्या है यहाँ पे पाया जाता है, इसमें विटामिन्स पाया जाता है। ठीक है इस खाने में तो आप जो भी चीजें खाते हैं या पीते हैं तो उसमें मुख्यतः ये पाए जाते हैं, बाकी सूक्ष्म मात्रा में बाकी चीजें भी पाई जाएंगी जिसमें कि मिनरल्स वगैरह होते हैं। तो यहाँ पे देखिए फैट, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, ये सब विटामिन्स भी है, ये क्या है मुख्य पोषक तत्व कहलाता है इसे, और ये सब क्या है बाकी, ये सब क्या है सहायक पोषक तत्व में से आ जाएंगे। तो अब यहाँ पे देखते क्या है कि सब आप माउथ में देखेंगे तो हमारे जो सलाइवरी ग्लैंड है उसमें क्या होते हैं तीन प्रकार के ग्लैंड पाए जाते हैं, पैरोटिड, दूसरा है सब मैक्सिलरी, तीसरा है सब लिंगुअल। याद रखेंगे तीन जोड़ी ग्लार ग्रंथियां, पहला नाम है पैरोटिड, दूसरा सब मैक्सिलरी, तीसरा क्या है सब लिंगुअल। हमारे शरीर में जब हम माउथ में खाना को लेते हैं तो दांतों की मदद से उसे चबाते हैं, टुकड़ों में ब्रेक डाउन कर देते हैं, तो पूरा पाचन में एक ही काम होता है, वो एक काम क्या होता है बड़े मॉलिक्यूल को छोटे छोटे मॉलिक्यूल में तोड़ देना। तो दांत है तो दांत से बड़ी से छोटी चीज में तोड़ दिए, फिर चबा के खाए और अंदर गया तो वहां पे फिर स्टमक या आमाशय में जाएगा तो वहां पे भी क्या है बड़े मॉलिक्यूल्स को छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स में तोड़ दिया जाएगा। ये तो फिजिकली है,
ये भौतिक तरीके से आप तोड़ा जाता है, वैसे केमिकली भी इसे क्या है, छोटे छोटे पार्टिकल्स में तोड़ा जाता है, छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स में तोड़ा जाता है। जैसे फैट को फैटी एसिड में तोड़ देंगे, कार्बोहाइड्रेट को पॉलीसेकेराइड को डाइसेकेराइड या मोनोसेकेराइड में तोड़ देंगे, प्रोटीन को क्या है हम एमिनो एसिड में तोड़ देंगे। तो ये क्या है, कुल मिला के एक बात हो रही है कि बड़े मॉलिक्यूल को छोटे मॉलिक्यूल में तोड़ना। ये बात है कॉमन तरीके से आप समझ गए। अब एसएससी के पॉइंट ऑफ व्यू से यही बातें समझेंगे जो आपके एग्जाम में ज्यादा काम आता है। तो देखिए आपके लार में क्या पाया जाता है, टाइलिन नाम का एक एंजाइम पाया जाता है। तो ये एंजाइम कौन सी वाला है, एंजाइम है एक, इसे कहते हैं कैटलिस्ट भी कह सकते हैं, उत्प्रेरक कहते हैं, जो किसी भी कार्य को क्या कर देता है, उसे संपन्न कराने में हेल्प करता है। क्या करता है, किसी भी वो खुद पार्टिसिपेट क्या करता है उसमें, कैटलिस्ट के तौर पे वो पार्टिसिपेट करता है और क्या करता है उसमें रेट ऑफ रिएक्शन को बढ़ा देता है, उसमें क्रिया की दर को बढ़ा देता है। जैसे कि कोई एंजाइम है टाइलिन एंजाइम, तो जैसे आपने खाना खाया तो उसमें मान लो स्टार्च है, स्टार्च जो है पॉलीसेकेराइड है उसको डाइसेकेराइड में तोड़ देगा, उससे छोटे मॉलिक्यूल में तोड़ देगा। तो ये है आपका क्या है, डाइसेकेराइड स्टार्च को, तो ये बड़े मॉलिक्यूल को छोटे में तोड़ रहा है। तो कौन सा है, क्या किसकी मदद से हो रहा है, टाइलिन की मदद से हो रहा है। ये बात है, क्लियर हो गई, आगे बढ़े। तो अब जब हम माउथ में इस बात को समझ में कि स्टार्च का कम मात्रा में क्या है, यहाँ पे पाचन स्टार्ट हो जाता है। अभी इसमें प्रोटीन फैट वगैरह कुछ भी स्टार्ट नहीं हुआ है, ठीक है। तो आपने मान लो एक एप्पल खाया या आपने अपने दाल चावल रोटी सब्जी खाया, तो उसमें जो है जो स्टार्च होगा तो स्टार्च का ही केवल यहां पे सूक्ष्म मात्रा में, कम मात्रा में यहां पे पाचन होगा, डाइजेशन होगा। अब यहां पे देखिए स्टमक, जब हम स्टमक में पहुंचते हैं, हमारा खाना जो है जब चबा दिए तो उसके बाद गोल हो जाता है, सलाइवा उसमें मिक्स हो जाता है। तो वो जो है जब हम देखते हैं स्टार्टिंग में, जो मैंने आपको इमेज दिखाया था, तो इस इमेज में याद करिए कि आपको जो मैं दिखाया था इस इमेज में, ये बहुत महत्वपूर्ण बात है, समझिए कि ये जो खाना आपने यहाँ पे खाया था इसके बाद जो है यहाँ पे सीधा सीधा क्या है, इसी मार्ग से ईसोफेगस होते हुए आपके स्टमक में आता है, ठीक है, ये आमाशय में आता है। तो यहां से माउथ से लेके स्टमक तक, यानी कि यहाँ पे मुख से लेके आमाशय तक जब खाना आता है, वो सलाइवा या लार उसमें मिक्स हो जाने के कारण उसमें क्या होता है, उसे हम क्या कहते हैं, बोलस कहते हैं, गोलक या बोलस जो आप कहना चाहें तो वो होता है, उसको पूछा भी जाता है। बोलस क्या है, तो मुख से आमाशय तक जब भोजन जाता है तो वह सलाइवा या लार ग्रंथियों से या लार से वो क्या होता है, गुथा हुआ रहता है या उसमें मिक्स होता है और वे गोल संरचना मिलती है, उसे हम क्या कहते हैं, बोलस कहते हैं। क्लियर हो गया, आगे बढ़े। तो अब जो है बोलस जैसे आमाशय में पहुंच गया, तो आमाशय में भी तीन भाग होते हैं भाई, जब से स्टार्टिंग वाला जो पार्ट है जो इसोफेगस से जुड़ा होता है उसे हम क्या कहते हैं, कार्डियक कहते हैं, फिर मध्य भाग को फंडिक कहते हैं और आखिरी भाग को पाइलोरिक कहते हैं। तो याद कैसे रखेंगे आप, यहाँ पे सी है, एफ है और यहाँ पे पी है, तो आप आगे पीछे आगे मध्य वाला याद रखेंगे, अल्फाबेट में पहले सी आ रहा है, फिर एफ आ रहा है, फिर क्या आ रहा है आपका यहाँ पे देख रहे हैं पी आ रहा है। तो याद कैसे रख लेंगे, कैसे याद रखेंगे, मान लो अग्र मध्य पश्च नहीं दिया आपको, इंग्लिश में ही दे दिया कार्डियक फंडिक और आपका पाइलोरिक, आपको पूछ दिया कि पहला कौन है लास्ट कौन है, तो कैसे याद रखेंगे, फर्स्ट सी एफ पी, इस प्रकार याद रख सकते हैं, इजीली याद रख सकते हैं, कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, ठीक है। अब यहां पे आमाशय की भीतरी दीवार पर क्या पाई जाती है, गैस्ट्रिक ग्लैंड पाई जाती है। तो ये जो गैस्ट्रिक ग्लैंड पाई जा रही है, इस गैस्ट्रिक ग्लैंड में बहुत सारी बातें हैं, देखिए ध्यान दीजिएगा, जठर ग्रंथियों से जठर जूस निकलता है, गैस्ट्रिक जूस निकलता है। और ये जो देखिए यहां पे ध्यान देंगे, स्टमक में जब खाना पहुंचता है तब यहां पे होता, जैसे ही एंट्री लेता है तो वहां पे याद रखिएगा कि वो आमाशय की दीवार में जो होता है दो तीन बातें होती है, ध्यान रखेंगे, चारों तरफ क्या है उसमें क्या होता है, म्यूकस स्लेश में जो है फैल जाता है, उसके ऊपर क्या हो जाता है, एसिड जो है वो फैल जाता है, वो एसिड क्या है, HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड, जो एसिडिक होता है, सबसे पावरफुल एसिड कौन सा होता है कहा जाए तो HCl होता है, याद रखेंगे। तो HCl क्या है, वहां पे फैल जाता है। अब वो जो खाना वहां जैसे ही पहुंचता है तो HCl के कांटेक्ट में जैसे ही आता है उसमें बैक्टीरिया या कुछ भी ऐसी चीजें होती हैं, है ना, फंगस वगैरह चीजें होती हैं, वो पूरी तरह से उसको किल कर देता है, मार देता है, ठीक है। तो यहां पे देखिए कुछ उसके फंक्शन, तो देखिए पाचन जैसे ही होगा, आमाशय में प्रोटीन का पाचन स्टार्ट हो जाता है और आमाशय की भीतरी दीवार पर गैस्ट्रिक ग्लैंड जो है गैस्ट्रिक जूस का सिक्रेशन करते हैं,
जो कि हाईली एसिडिक होता है, कितना एसिडिक 1.8 होता है, ठीक। और HCl जो होता है जब उसमें सीक्रेट होता है तो HCl के प्रेजेंस में इसमें पेप्सिनोजेन जो होता है वो सक्रिय पेप्सिन में वो क्या हो जाता है, बदल जाता है और प्रोटीन का ब्रेक डाउन कर देता है, छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स में तोड़ देता है, जैसे पहले प्रोटियोज फिर पेप्टोन्स में तोड़ देता है, ठीक है, इस बात को ध्यान रखेंगे। और पेप्सिन का सीक्रेशन कहां होता है, इसके मुख्य कोशिकाओं द्वारा किया जाता है उसका सीक्रेशन, जो कि जठर ग्रंथि यानी कि उदर ग्रंथियों के नजदीक प्रचुर मात्रा में मिलता है, ठीक है। तो यहां पे दो बातें समझ में आ गई, गैस्ट्रिक ग्लैंड और उसमें गैस्ट्रिक जूस निकला, HCl के प्रेजेंस में पेप्सिनोजन पेप्सिन में कन्वर्ट हो गया, ये पूछता है एग्जाम में, याद रखेंगे। इसके बाद HCl के प्रेजेंस में क्या होता है, ये फिर से क्या करता है, निष्क्रिय प्रोरेनिन को सक्रिय प्रोरेनिन में बदल लेता है। यहां पे पेप्सिनोजन निष्क्रिय था, ये सक्रिय हो गया, इनएक्टिव था एक्टिव में कन्वर्ट हो गया, यहां पे इनएक्टिव था एक्टिव में कन्वर्ट हो गया, तो प्रोरेनिन को रेनिन में कन्वर्ट कौन कर रहा है, इसी HCl के प्रेजेंस में हो रहा है, ठीक है। और यही रेनिन क्या है, दूध में उपस्थित कैसिजोनोजन प्रोटीन को कैसीन में बदल देता है, तो ये याद रखेंगे, ठीक है। आमाशय में उपस्थित एक और एंजाइम होता है, उसे कहते हैं गैस्ट्रिक लाइपेज, तो गैस्ट्रिक लाइपेज क्या है, वो फैट का जो है पाचन करता है, उसका डाइजेशन करता है और ट्राइग्लिसराइड में बदलता है। तो यहां पे इस बात को समझ पा रहे हैं, जो मैंने बताया था कि बड़े पार्ट को छोटे में तोड़ना, प्रोटीन को छोटे में तोड़ दिए, यहां पे इनएक्टिव को एक्टिव फॉर्म में बदल दिए। इसके बाद यहां पे क्या देख रहे हैं, एंजाइम गैस्ट्रिक लाइपेज जो है, गैस्ट्रिक लाइपेज क्या कर रहा है, फैट को ट्राइग्लिसराइड में बदल दिया। तो फैट जो है कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल है, उसको ट्राइग्लिसराइड थोड़ा इजियर मॉलिक्यूल में बदल देता है, ये बातें समझ गए आप सभी। इसके बाद आगे देखें, तो आगे देखते हैं फिर से कुछ और महत्वपूर्ण बातें, कि जब यहां पे आमाशय में खाना आपका पच रहा है, तो आमाशय में कुछ यहां पे एंजाइम है, उसके बाद इंटेस्टाइन में कुछ है, उसके बाद आपका लार्ज इंटेस्टाइन में है, तो एंजाइम का इसके बाद वाले स्लाइड में देखेंगे। तो बस खाना कैसे आगे बढ़ रहा है इसको देखिए, तो यहां पे देखिए अब क्या है, खाना कहां पे पहुंच गया, अब पहुंच गया आपके इंटेस्टाइन में। तो इंटेस्टाइन दो प्रकार के होते हैं, एक लार्ज और एक स्मॉल। तो यहां पे देखते क्या है, लार्ज इंटेस्टाइन और स्मॉल इंटेस्टाइन में सबसे पहले स्मॉल में जाता है। तो यहां पे इसकी बात रखें कि आंत की लंबाई इंटेस्टाइन की लंबाई किसमें, हर्बीवोर्स में ज्यादा अधिक होती है, जिससे कि भोजन का अवशोषण हेतु ज्यादा सरफेस मिल सके। और यहां पे इंटेस्टाइन को दो पार्ट में डिवाइड करेंगे, तो स्मॉल को सबसे पहले देखते हैं, सबसे इंपॉर्टेंट में से एक ये आपका पार्ट है। तो देखिए जो इंटेस्टाइन होते हैं उसमें क्या होता है, ड्यूडेनम, जेजेनम और इलियम, ये तीन पार्ट होते हैं। छोटी आंत में क्या क्या पार्ट होता है, ग्रहणी, अग्र छुद्रांत और छुद्रांत, ठीक है। तो ड्यूडेनम, जेजेनम और इलियम याद रखेंगे, ठीक है, इसे हम इस प्रकार भी याद रख सकते हैं, इसके पार्ट को डी आई जे इस प्रकार याद रख सकते हैं, ड्यूडेनम है ना, इलियम और जेजेनम। और यहां पे अगर सीक्वेंस समझना है तो आपको DJI आप भी लिख सकते हैं, ठीक ठीक, ये बातें क्लियर हो गई। अब देखिए आमाशय से निकलने के पश्चात जो भोजन जो है अब स्टमक से आगे बढ़ेगा, तो जितना डाइजेशन होना था हो चुका है कहां पे, आपके स्टमक में। अब जैसे आगे बढ़ेगा तो वो जो बोलस था उसको क्या कहेंगे, हम काइम कहेंगे, ठीक है। बोलस आपको क्या कहते हैं, बोलस या गोलक कह रहे थे, जब मुख से किस में जा रहा था, आपके स्टमक या आमाशय में जा रहा था, इसके बाद वहां डाइजेशन हुआ, फिर वो खाना और आगे बढ़ा, तो अब उसे क्या कहते थे, काइम कहते हैं। वहां पे क्या है, एसिडिक नेचर था, कहां पे एसिडिक नेचर था, 1.8 किसके कांटेक्ट में आया था, HCl किसके कांटेक्ट में आया था, आपके आमाशय के कांटेक्ट में आया था, आमाशय में था, तो आमाशय में इसका जो है नेचर एसिडिक है। अब जैसे ही आगे बढ़ेगा तो देखिए इसमें इसका जो है कैसे कैसे आगे चीजें होती जाएंगी, तो छोटी आंत में स्मॉल इंटेस्टाइन में याद रखेंगे बाइल जूस, पित्त रस, पैंक्रियाटिक जूस आमाशय रस और आंत रस इंटेस्टाइनल जूस द्वारा भोजन का पूर्ण पाचन किया जाता है और उसका फिर अवशोषण किया जाता है। बाइल जूस, पैंक्रियाटिक जूस और इंटेस्टाइनल जूस तीनों के द्वारा पूर्ण पाचन होगा, कंप्लीट डाइजेशन होगा और उसका फिर एब्जॉर्प्शन होगा, किसके द्वारा, माइक्रोविलाई के द्वारा, इसे क्या कहते हैं, रसांकुर कहते हैं।
और बिना पूछ पचा हुआ भोजन आगे कायम बड़ी आंत में पहुंच जाता है और बड़ी आंत में पहुंचने के बाद उसे एग्जिट कर देते हैं वेस्ट पार्ट के तौर पे। तो अब यहां पे इस बात को समझिए कि छोटी आंत में जो डाइजेशन होता है ना, छोटी आंत में भोजन के आते ही तीन पाचक एंजाइम निकल रहा है, वो कौन कौन सा है? बाइल जूस, पैंक्रियाटिक जूस और इंटेस्टाइनल जूस। ये बातें क्लियर हो गई, आगे बढ़े। तो आगे जब हम देते हैं ये खाना में, ये तीनों चीजों का कुछ रोल होता है, यहां से क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं, ये स्लाइड वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे। तो जब यहां पे बाइल जूस है उसका काम क्या होता है, बाइल जूस कहां से सीक्रेट होता है, तो पित्त रस कहां से होता है, तो सीधा सीधा मिस्टेक करके आते हैं पित्ताशय से होता है, जबकि गलत है। कहां से सीक्रेट होता है? यकृत या लीवर से सीक्रेट होता है, जो गाल ब्लैडर या पित्ताशय में स्टोर होता है। तो समझ गए, बाइल जूस सीक्रेटेड फ्रॉम लीवर बट स्टोर्ड इन गाल ब्लैडर या पित्ताशय में। ठीक, इस बात को समझ में आ गई आपको। अब पित्त रस में क्या होता है? बाइल पिगमेंट होता है, जिसे हम क्या कहते हैं? बिलिरुबिन और बिलिवर्डिन। ये पूछा जाता है बिलिरुबिन और बिलिवर्डिन, है ना, ये क्या है? बाइल पिगमेंट बाइल जूस में होता है, पित्त रस में होता है। इसका काम क्या होता है? दो सॉल्ट या लवण होते हैं, सोडियम ग्लाइकोलेट और सोडियम टारोकोलेट, को भोजन में उपस्थित वसा को जल के साथ मिलाकर छोटी छोटी बूंदों में तोड़ देते हैं और वसा का इमल्सिफिकेशन होता है। इमल्सीकरण क्या है? तो यहां पे देखते हैं, उसको जो है छोटे पार्ट में तोड़ देना, सोडियम ग्लाइकोलेट तथा सोडियम टारोकोलेट को, है ना, में उपस्थित वसा को क्या करते हैं? जल के साथ मिलाकर छोटी छोटी बूंदों में तोड़ देते हैं, इमल्सिफिकेशन कहते हैं उसे। ठीक, और इसमें देखो यहाँ पे विटामिन है, वसा में घुलनशील विटामिन क्या है? ए डी ई के। इसे मैं विटामिन वाले टॉपिक में पढ़ाऊंगा भी, याद रखेंगे। विटामिन का टॉपिक आज हम कवर इसलिए नहीं कर रहे हैं क्योंकि विटामिन, इसके सोर्सेस, इसके डेफिशिएंसी डिसीज, इसकी कमी से होने वाले जो रोग हैं उसको हम सेपरेट क्लास में कवर करेंगे। तो देखिए विटामिन क्या है? ए बी सी डी ई और के। ठीक, तो जहां पे ए को हम सबसे लास्ट में ले जाते हैं तो उसके बाद ये बन जाता है क्या है? डी ई के ए, डेका। तो यहां पे अब इसको हम क्या कर देंगे? मिटा देंगे। तो ये जो है डेका है और यहां पे एक पेयर बन जाएगा बी सी। तो यहां पे याद करेंगे बी सी क्या है? जल में घुलता है और ये क्या है? वसा में घुलता है। ठीक है, कैसे याद रखेंगे? नींबू पानी में, नींबू में क्या होता है? सिट्रिक एसिड, मतलब विटामिन सी। तो जल में आसानी से नींबू का रस घुल जाता है, तो हम याद रखेंगे इसका पेयर क्या है? बी है। तो यहाँ पे जल में घुले वाले, जल में घुलने वाले जो प्रोटीन है, जो आपके यहाँ पे विटामिन है, वो क्या है? बी और सी, और वसा में घुलने वाले डी ई के, डेका, याद रखेंगे। ठीक, तो उसमें क्या है? इसके अवशोषण में पित्तरस की भूमिका होती है। ठीक है, पहला इमल्सिफिकेशन कर रहा है, दूसरा पित्तरस में विटामिन्स का अवशोषण कर रहा है। और यदि किसी का हम पित्ताशय या गॉलब्लैडर को निकाल देते हैं तो उसमें के बॉडी में क्या है? फैट का पाचन नहीं हो पाता, इमल्सिफिकेशन नहीं हो पाता। ठीक, इसके बाद देखते हैं इस आंत रस में, इंटेस्टाइनल जूस में दूसरा महत्वपूर्ण है क्या है? पैंक्रियाटिक जूस। तो इसमें क्या होता है? कार्बोहाइड्रेट, वसा, प्रोटीन सभी का पाचन के लिए पाचक एंजाइम होता है, इसलिए इसे क्या कहते हैं? कंप्लीट डाइजेस्टिव जूस। ये एग्जाम में पूछा जाता है पूर्ण पाचक रस किसे कहा जाता है? कंप्लीट डाइजेस्टिव जूस, वो किसे कहते हैं? पैंक्रियाटिक जूस को कहते हैं। क्लियर हो गया? तो इसमें क्या है? कार्बोहाइड्रेट का भी हो रहा है, फैट का भी हो रहा है, प्रोटीन का भी हो रहा है, सभी का डाइजेशन होता है। और इसमें क्या क्या एंजाइम पाए जाते हैं? वो है एमाइलेज, ट्रिप्सिन, काइमोट्रिप्सिन और लाइपेज। तो कैसे याद रखेंगे? ए सी टी एल। ठीक है, ए सी टी एल से याद रखेंगे, एमाइलेज, ट्रिप्सिन, काइमोट्रिप्सिन और लाइपेज, इस प्रकार याद रख लेंगे। ठीक है, ये बात क्लियर हो गई। तो यहां पे एंजाइम याद रखना बहुत आसान है आपके लिए। अब यहां पे तीसरा होता है इंटेस्टाइनल जूस। तो इंटेस्टाइनल जूस में देखते हैं माल्टेज, क्या क्या एंजाइम मिलता है यहां पे, ये एग्जाम में कई बार पूछा जाता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट कंटेंट है, याद रखेंगे। इंटेस्टाइनल जो है जूस में कौन कौन से एंजाइम मिलते हैं? तो माल्टेज मिलता है, जो माल्टोज को ग्लूकोज में बदल देता है। माल्टेज माल्टोज को किस में कन्वर्ट कर रहा है? ग्लूकोज। तो ये क्या है? कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल है, ये थोड़ा सिंपलेस्ट मॉलिक्यूल है। ठीक है, डाइसैकेराइड है, इसको मोनोसैकेराइड में बदल दिया। ठीक है, इस बात को ध्यान देंगे। सुक्रेस, तो सुक्रोज को क्या है? ग्लूकोज में बदल दे रहा है और फ्रक्टोज में बदल दे रहा है।
तो ये क्या है, इधर वाले देखते हैं वो मोनोसैकेराइड है और इधर वाले जो है डाई या फिर पॉली होंगे। तो यहां पे याद रखेंगे क्या है, सुक्रोज को ग्लूकोज और फ्रक्टोज में बदल देता है, लैक्टेज क्या करता है, लैक्टेज तो लैक्टोज को ग्लूकोज और गैलेक्टोज में बदल देता है, और इरेप्सिन क्या कर देता है, डाई और ट्राइपेप्टाइड को अमीनो एसिड में क्या बदल देता है, चेंज कर देता है, अमीनो एसिड में तोड़ दे रहा है। तो डाई और ट्राइपेप्टाइड ये कॉम्प्लेक्स है, उसको सिंपलेस्ट फॉर्म में अमीनो एसिड में तोड़ देता है, तो प्रोटीन का ब्रेकडाउन हो रहा है। ये बातें सभी को क्लियर हो गई, तो ये इस बात को आपको ध्यान देना है, ये है इंटेस्टाइनल जूस, और यहीं से क्वेश्चंस बार बार पूछे जाते हैं, है ना, अलग अलग तरीके से। तो एक बार आप मेथड समझ गए तो आपको फिर बार बार यहां एग्जाम में कंफ्यूजन नहीं होता, तो इस बात को आपको समझना होगा। आगे बढ़े, तो आगे बढ़ते हैं, अब जो है डाइजेशन कंप्लीट हो चुका है, जिसमें कि हम देखते हैं कि जो बचा हुआ पार्ट वेस्ट पार्ट है वो अब किसमें चला जाता है, किसमें चला जाता है आपका, दैट इज ये जाता है आपके लार्ज इंटेस्टाइन में। तो लार्ज इंटेस्टाइन में जैसे जाता है बड़ी आंत में जाता है, तो यहां पे देखिए बड़ी आंत छोटी आंत की तुलना में अधिक चौड़ी होती है, लंबाई में छोटी होती है, और यहां पे याद रखें इसके तीन भाग होते हैं, ठीक है, इसके तीन भाग होते हैं, वो होता है सीआरसी, ठीक है, सीकम कोलन, सीकम रेक्टम कोलन, ठीक है, यहां पे सीकम मलाशय और कोलन तीन चीजें होती हैं। तो ये क्या है आपका पार्ट होता है लार्ज इंटेस्टाइन का, जिसमें कि सीकम मुड़ी हुई होती है और कॉइल्ड होती है, ठीक है, और इसके बाद इसकी रचना वर्मी फॉर्म अपेंडिक्स से निकलती है। वर्मी फॉर्म अपेंडिक्स को क्या कहते हैं, वेस्टिजियल ऑर्गन कहते हैं, अवशेषी अंग जिसका शरीर में कोई काम नहीं है। एक्चुअली ये सेल्युलोज के पाचन के लिए क्या होता, रिस्पॉन्सिबल होता है, लेकिन ह्यूमन बॉडी में सेल्युलोज का पाचन के लिए वर्मी फॉर्म अपेंडिक्स होता है, जो केवल मौजूद होता है, उसका कोई काम नहीं होता, अवशेष के फॉर्म में है, इसलिए उसे अवशेषी अंग या वेस्टिजियल ऑर्गन कहते हैं। सिमिलर लाइक जैसे आपका कान का ये पिन्ना, ये कान का जो पिन्ना है इसका भी कोई काम नहीं है, ठीक है, इसे इसलिए भी इसे क्या कहते हैं, वेस्टिजियल ऑर्गन या अवशेषी अंग कहते हैं, ठीक है। तो कान का पिन्ना जो है वो एक और उदाहरण है अवशेषी अंग का। वैसे देखिए बड़ी आंत में कोई एंजाइम नहीं होता, याद रखेंगे जब कोई एंजाइम का दिया जाता है क्वेश्चन, ए बी सी डी चार ऑप्शन होते हैं, इसमें बड़ी आंत का जो है पूछा जाए तो आप आसानी से एलिमिनेट कर सकते हैं कि बड़ी आंत में कोई भी एंजाइम नहीं पाई जाती, तो मैटर वहीं खत्म, ठीक है। इसका काम क्या होता है, केवल बिना पचे हुए भोजन को कुछ समय के लिए स्टोर करता है और जल और कुछ खनिज लवणों का अवशोषण करता है, यानी कि वाटर और कुछ मिनरल्स का एब्जॉर्प्शन करता है और फाइनली जो है फिकल मैटर के तौर पे हम उसे एग्जिट कर देते हैं। अब यहाँ पे कुछ बातें आती हैं, कुछ एंजाइम्स वगैरह जो सीधा जो है आपके छोटी आंत में सीक्रेट किए होते हैं, तो वो दो चीजें जोड़ती हैं, एक होता है लीवर, दूसरा होता है पेंक्रियास, ठीक है, जिसमें कि हम यहाँ पे समझ रहे हैं इस बात को कि पेंक्रियास और लीवर। तो लीवर के बारे में सबसे पहले देखिए, लीवर जो है आपका क्या है, यहाँ पे क्या इसका फंक्शन है, तो इसका फंक्शन है यहाँ पे देखिए कि मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है और यकृत कोशिकाओं में पित्त का श्रावण करता है। अभी हमने पढ़ा कि बाइल जूस का सिक्रेशन करता है, जो बाइल जूस कहां पे जो है स्टोर हो जाता है, पित्ताशय में या आपके गाल ब्लेडर में स्टोर हो जाता है, और विटामिन ए का संश्लेषण भी करता है, ठीक। विटामिन ए का संश्लेषण कौन करता है, यकृत या लीवर करता है। इसके अलावा ये लीवर का काम क्या होता है, ग्लूकोज को ग्लाइकोजन के फॉर्म में संचित करता है, स्टोर करता है। पित्त में कोई एंजाइम नहीं होता, बाइल जूस में कोई एंजाइम नहीं होता, उसमें क्या होता है, बिलिरुबिन और बिलिरुबिन दो ऐसे पिगमेंट होते हैं, वर्णक होते हैं, जो हमने अभी थोड़ी देर पहले पढ़ा, ठीक है। फिर भी क्या होता है, इस पित्त लवण में क्या है, भोजन विशेषतर फैट के पाचन के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, जो अभी हमने पढ़ा कि उसका इमल्सिफिकेशन के लिए वो क्या है, रिस्पॉन्सिबल होता है। पित्त भोजन को सड़ने से भी रोकता है, ठीक है। लंबे समय तक कोई व्यक्ति शराब का सेवन करे या हेपेटाइटिस बी या हेपेटाइटिस सी विषाक्त आदि धातु आदि जो है धातुओं के कारण जो है जब शरीर में क्या होता है उसकी मात्रा बढ़ जाती है, तो ये क्या होता है, सिरोसिस नामक डिसीज होता है। तो लीवर का काम क्या है, देखो हीपेरिन का सिक्रेशन करता है, ठीक है, एंजाइम का सिक्रेशन करता है, बाइल जूस का सिक्रेशन करता है और यूरिया का सिंथेसिस करता है, निर्माण करता है। पेंक्रियास यहां पे देखते क्या है, पेंक्रियास में देखते हैं यू आकार के ग्रहणी के बीच एक लंबी ग्रंथि है,
जो एक्सोक्राइन और इंडोक्राइन दोनों ही तरह का होता है, ठीक है, प्लीज इसे करेक्ट कर लें। हमने यकृत के बारे में कहा था, इंडोक्राइन और एक्सोक्राइन दोनों क्या है, कौन सा है हमारा, ये है आपका दैट इज अग्नाशय या पेंक्रियास। ठीक, यहां पे देखिए पेंक्रियास में यहां पे देखिए कुछ महत्वपूर्ण बातें जो आपको समझनी है, जो कि यहां से बहुत इंपॉर्टेंट चीजें पूछी जाती हैं। पेंक्रियास में एक होता है आइसलेट्स ऑफ लैंगरहैंस, लैंगरहैंस की दीपिका, जिसे हम हार्मोन्स वाले टॉपिक में कवर करेंगे। तो यहाँ पे हम एंजाइम को पढ़ रहे हैं, क्योंकि एंजाइम जो है भोजन के पाचन के लिए, डाइजेशन ऑफ फूड के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। तो यहाँ पे देखिए क्या क्या है, अग्नाशय क्या है, इसमें होता है कि बहिस्राई एक्सोक्राइन पार्ट से क्षारी अग्नाशय रस निकलता है जिसमें एंजाइम होते हैं, और इंडोक्राइन भाग से इंसुलिन निकलता है जो इंसुलिन और ग्लूकागॉन नामक हार्मोन्स का सिक्रेशन करता है। ऐसे व्यक्ति इसमें ब्लड बॉडी में ब्लड शुगर की मात्रा बढ़ गई वहां पे, मतलब उसमें बॉडी में इंसुलिन की कमी है, इसलिए इंसुलिन का इंजेक्शन हम उनको देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे समझ में आ गई। और ट्रिप्सिन एंजाइम का भी सिक्रेशन होता है जो प्रोटीन को एमिनो एसिड में तोड़ देता है। ठीक है, ट्रिप्सिन याद रखिएगा, ट्रिप्सिन क्या करता है, प्रोटीन को एमिनो एसिड में तोड़ देता है, और वो क्या करता है, एक कैटलिस्ट के तरह कार्य करता है। ये चीजें सभी को क्लियर हो गई। तो इस प्रकार खाना आपका जो है अलग अलग प्रकार से, इसमें हमने सिर्फ एंजाइम और खाने के प्रोसेस को समझा जिसमें अलग अलग प्रकार का एब्जॉर्प्शन हो रहा था। अब इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस देख लेते हैं, फिर इसमें टॉपिक में थोड़ी आपकी बेहतर कमांड हो जाएगी। ठीक है, और ऑलरेडी मैंने बता रखा है कि विटामिन का टॉपिक हम सेपरेट करेंगे क्योंकि वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो आगे देखते हैं हम। तो पहला क्वेश्चन देखिए, मानव शरीर में पाचन का अधिकांश भाग किस अंग में संपन्न होता है, अग्नाशय, लार्ज इंटेस्टाइन, छोटे इंटेस्टाइन और स्टमक। तो यहां पे देखिए इसका आंसर क्या होगा कि सबसे ज्यादा कहां होता है, इस स्मॉल इंटेस्टाइन में होता है, ये तो होता ही नहीं यहाँ पे। ठीक है, आमाशय में जाता है स्टार्टिंग में, जिसमें कि प्रोटीन का पाचन होता है, सभी चीजें यहाँ पाचन हो नहीं पाती। तो सबसे ज्यादा कहां पे होता है, यहाँ पे, यहाँ पे होता है आपका छोटी आंत में होता है। ठीक है, दूसरा, मनुष्य में पाचन क्रिया कहां से स्टार्ट होती है, तो कहां से स्टार्ट होती है, इसमें याद रखेंगे तो माउथ से, बक्कल कैविटी से स्टार्ट होती है। ठीक है, इस बात को आप याद रखिए, तो इसका आंसर ये है। इसके बाद देखिए, मानव शरीर की पाचन नली कितने फीट लंबी है, तो यहां पे इस बात को ध्यान रखेंगे, 32 फीट लंबी होती है। कितनी फीट होती है, 32 फीट लंबी होती है। मुख में स्टार्च का शर्करा में पाचन किसके द्वारा होता है, तो माउथ में कौन सा एंजाइम मिलता है, एमाइलेज मिलता है, पेप्सिन मिलता है, लाइपेज मिलता है, का क्या मिलता है, टाइलिन मिलता है, तो यही इसका आंसर है। इसके बाद देखते हैं पाचन तंत्र का कौन हिस्सा नहीं है, तो पाचन तंत्र का कौन हिस्सा नहीं है, लीवर, पित्ताशय, कार्निया या इंटेस्टाइन। कार्निया तो आपका आई का पार्ट है, तो यही इसका आंसर है। शरीर में एंजाइम आवश्यक क्यों होते हैं, क्या शरीर को ऊर्जा देते हैं, नहीं देते। एंजाइम तो क्या है, कैटलिस्ट टाइप से फॉर्म करते हैं, जो क्या करते हैं, भोजन का डाइजेशन करने में हेल्प करता है, तंत्रिका ग्रंथिका भी नियंत्रित नहीं करते, तो हार्मोन्स का काम है। शरीर में रचनात्मक क्रिएटिव पार्ट है, नहीं है, ये क्या करता है, रासायनिक क्रिया में क्या है, कैटलिस्ट के फॉर्म में काम करता है, तो यही इसका आंसर है। तो ये बातें आपको सभी क्लियर हो गई। इसके बाद देखते हैं दूध प्रोटीन को पचाने वाला कौन सा एंजाइम है, तो यहाँ पे रेनिन प्रोटीन है, याद रखेंगे प्रोटीन को रेनिन में बदलता है, और रेनिन जो है दूध का पाचन में क्या है, वो जो उसको जो है मदद करता है। तो ये बात है सभी को क्लियर हो गई। इसके बाद देखते हैं अधिकतम पोषक तत्व रक्त में कहाँ से अवशोषित किए जाते हैं, तो बड़ी आंत में तो अवशोषण खनिज लवण और जल का होता है, माउथ में तो अभी अवशोषण स्टार्ट ही नहीं होता, सीधा सीधा वहां से ब्रेक डाउन होना चालू होता है, ये स्टमक है, ठीक है, या आमाशय है। ठीक है, तो यहाँ पे आमाशय में भी क्या होता है, सभी अवशोषण नहीं होता क्योंकि वहां पे तो प्रोटीन का पाचन स्टार्ट होता है। तो आप ये क्या देखते हैं, स्मॉल इंटेस्टाइन में क्या है, सबसे ज्यादा वहां से अवशोषण किया जाता है। लार में कौन सा एंजाइम पाया जाता है, वेरी इजी क्वेश्चन, टाइलिन पाया जाता है। पेट में जो है भोजन को पचाने के लिए इनमें किसकी आवश्यक खास आवश्यकता होती है, ठीक है, यहाँ पे ध्यान देंगे, बड़ा इंपॉर्टेंट चीज है, क्या हवा चाहिए, पानी चाहिए, खनिज चाहिए, एंजाइम चाहिए, भाई एंजाइम ही तो कैटलिस्ट का काम करता है, यही भोजन पाचन में मदद करता है। इसके बाद देखते हैं क्या है कि लार किसके पाचन में सहायक होता है, फाइबर, प्रोटीन, स्टार्च और वसा। सिर्फ स्टार्च का पाचन होता है जिसमें पॉलीसेकेराइड, डाइसेकेराइड या मोनोसेकेराइड में टूटता है। मानव के आमाशय में अम्ल एक्स, मान लो कोई एसिड है उसका नाम एक्स है, उत्पन्न होता है जो भोजन के पाचन में सहायता करता है। तो वो एक्स क्या है, एसिटिक एसिड, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, मेथनोइक एसिड, सिट्रिक एसिड। तो यहाँ पे क्या पूछा है, आमाशय, स्टमक, तो आमाशय में कौन सा एसिड होता है, HCl होता है।
बहुत इजी क्वेश्चन है, हो गया। तो मानव शरीर में भोजन का रक्त द्वारा अवशोषण कहां सर्वाधिक होता है, भोजन का अवशोषण सर्वाधिक पूछ रहा है, तो यकृत, आमाशय, बड़ी आंत, बड़ी आंत तो फिर से हटा दो, तो सबसे ज्यादा अवशोषण कहां होता है, स्मॉल इंटेस्टाइन में होता है, इस बात को आप याद रखेंगे। इसके बाद देखते हैं प्रोटीन का पाचन कहां से स्टार्ट होता है, तो कहां से स्टार्ट होता है, बक्कल कैविटी से, तो क्या है स्टार्च का होता है, तो यहां किसका इसका आंसर क्या हो जाएगा, यहां पे देखते हैं ये क्या है आपका, दैट इज आमाशय या आमाशय लिख लीजिए, ठीक है, और यही इसका आंसर है, ठीक है, प्रोटीन का पाचन वहीं से स्टार्ट होता है। इसके बाद देखें आगे, तो आगे देखते क्या है, यहाँ पे आमाशय द्वारा स्रावित भोजन को आसानी से पचा लेते हैं, लेकिन आमाशय स्वयं इन पाचक रसों से अप्रभावित होता है, क्यों होता है, जैसे एसिड में क्या होती है, म्यूकस या स्लेस्मा रहती है, यही उसका आंसर होगा, क्योंकि मैंने बताया था, ठीक है। पचे हुए भोजन में विषैले टॉक्सिक पदार्थ कौन सा अंग चूषण करता है, कौन इसको क्या कर देता है, सक कर लेता है, वो क्या करता है, लीवर है इसका आंसर, ठीक है, लीवर ये काम करता है। और वृक्क में जो होता है, एक चीज होगा आगे हम फिल्ट्रेशन में उसे देखेंगे, जिसमें कि उसमें वृक्क का अलग अलग काम होता है, ये बात सभी क्लियर हुई। उसके बाद देखते क्या है, पेप्सिन क्या है, पेप्सिन क्या है, क्या करता है, क्या है, एक चीज है, ये एंजाइम है, हार्मोन्स है, विटामिन है, खनिज है, क्या है, पेप्सिन एक क्या है, एंजाइम है, ठीक है। उसके बाद पेप्सिन क्या करता है, पेप्सिनोजन को पेप्सिन में कन्वर्ट, पेप्सिन क्या करता है पूछा है, पेप्सिनोजन को पेप्सिन में जो है वो, तो पेप्सिनोजन निष्क्रिय फॉर्म होता है, पेप्सिन सक्रिय फॉर्म होता है, इसका काम क्या होता है, प्रोटीन को पॉलीपेप्टाइड में बदल लेता है, और ये कहां मिल रहा है, आपके आमाशय में मिल रहा है, ठीक है, अभी हमने पढ़ा। आप देखते हैं पाचन क्रिया में प्रोटीन मिलेगी, इसमें किस पदार्थ में बदल जाती है, किस में बदल जाता है प्रोटीन, तो प्रोटीन किस में बदलेगा, आपका इम्यूनो एसिड में टूट जाता है, तो इसका आंसर ये है। कौन सा अंग है जो मानव शरीर में ग्लाइकोजन के रूप में कार्बोहाइड्रेट को जमा कर लेता है, तो ग्लाइकोजन के रूप में क्या होता है, लीवर आपका क्या है, स्टोर कर लेता है, अभी हमने पढ़ा। इसके बाद देखते हैं निम्नलिखित पित्त निम्नलिखित में किसके द्वारा पैदा किया जाता है, तो बाइल जूस की बात कर रहे हैं, तो बाइल जूस सीक्रेट कहां से होता है, लीवर से सीक्रेट होता है, जमा कहां हो जाता है, आपके पित्ताशय या गाल ब्लेडर में, ठीक है, तो यहां पे पैदा किया जाता है, सीक्रेट होता है, पूछ रहा है कहां से प्रोड्यूस होता है, तो लीवर से प्रोड्यूस होता है, पित्त या बाइल जूस कहां जमा होता है, यही आ गया सेम पित्ताशय में गाल ब्लेडर में, ये बात क्लियर हो गई। इसके बाद देखिए बाइल जूस पित्त बाइल का प्रमुख काम क्या है, तो बाइल जूस का प्रमुख काम अभी आपको याद आ रहा होगा, तो ये क्या है, वसा का क्या करता है, वसा का क्या करता है, ये इमल्सिफिकेशन करता है, तो वसा का क्या है, पायसीकरण, इमल्सिफिकेशन करता है बाइल जूस, ठीक है, तो वहां पे बाइल जूस में हमने देखा था ये महत्वपूर्ण पार्ट को, इमल्सिफिकेशन को, ये सभी चीजें आपको क्लियर हो गई। तो आज के सेशन में हम इतना ही देखते हैं, नेक्स्ट सेशन में मिलते हैं कुछ और महत्वपूर्ण टॉपिक के साथ, कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट के साथ और कुछ क्वेश्चंस के साथ, ठीक है, तो आप अपने प्रिपरेशन को आगे बढ़ाते रहिए, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे।